नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे से बच्चों, आज हम मैथ्स के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है बच्चों? देखिए, जब हम डिवीज़न करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या होता है, जो डिवीज़न के बाद हमारे पास लास्ट में बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिसके थ्रू हम बिना डिवीज़न के डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज 9 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, 2 4 8, हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या है बच्चों? 1। 9 क्या है यहाँ पर? जिसको हमने डिवाइड किया है, दैट इज डिविडेंट। 2 क्या है? डिवाइजर। और 4 क्या है? क्वेशेंट। अब मैं आपको कहूँ कि 9 को 2 से डिवाइड किए बगैर रिमाइंडर निकालो, तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमें डिवीज़न करनी पड़ेगी या फिर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले हमको बच्चों स्टेप 1 में लेना है 0 ऑफ डिवाइजर। एक्सरसाइज 2.2 में आप बड़े अच्छे से सीख चुके हैं कि किस तरह एक पॉलिनोमियल का डिवाइजर निकाला जाता है, जीरो निकाला जाता है। यहाँ पर डिवाइजर क्या है? x माइनस 2, और इसका जीरो निकालने के लिए हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? 2। स्टेप नंबर 2 अब क्या होगा? पुट x इज इक्वल टू 2 इन डिविडेंड, मतलब डिवाइजर का जो जीरो हमने निकाला है उसको हम डिविडेंड में पुट करेंगे। डिविडेंड क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 टू 6, 6 एंड 3 9। डिवाइजर का जीरो डिविडेंड में पुट करने पर जो आंसर आता है बच्चों, वो हमारा रिमाइंडर होता है। कितना सिंपल है ना रिमाइंडर थ्योरम। यहां पर हमें क्वेश्चेंट नहीं पता चलेगा, ध्यान रखना, हमें डायरेक्ट सिर्फ रिमाइंडर पता चलता है रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? डिवाइजर का जीरो डिविडेंड में पुट करने पर जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। अब आप बड़े आराम से रिमाइंडर थ्योरम कर सकते हैं और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अब आपको करवाता हूं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर का फैक्टर एक छोटी वो नंबर होती है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। एग्जांपल लेते हैं हम, 16 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 15। यहां पर 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया और ये आगे 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा। इसका मतलब जो 16 है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 16। लेकिन अगर 16 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब जो 4 है वो 16 का फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही पॉलीनोमियल में हम चेक करेंगे बच्चों कि क्या एक पॉलीनोमियल दूसरे का फैक्टर हो सकता है। एक पॉलीनोमियल दूसरे का फैक्टर कब होगा? जब वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। पूरा पूरा डिवाइड करने की कंडीशन क्या होती है? कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। लेट्स चेक। अभी हम चेक करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम चेक करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर चेक करना है कि क्या एक्स माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। हम रिमाइंडर थ्योरम की तरह करेंगे बिल्कुल। स्टेप 1, 0 ऑफ डिवाइजर लेंगे हम। यहां पर डिवाइजर क्या है? x माइनस 2, क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो एक पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो यहां पर x माइनस 2 हमारा डिवाइजर है। इसका जीरो क्या आया हमारे पास? 2। स्टेप नंबर 2 में हम ये जो वैल्यू आई है उसको डिविडेंड में पुट करेंगे। डिविडेंड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2,
फोर प्लस फोर माइनस एट, एट माइनस एट, आंसर क्या आया? जीरो। मतलब रिमाइंडर क्या आया? जीरो। रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो x माइनस टू है वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यस, x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। अगर यहाँ जीरो की बजाय कुछ भी आता, इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा और x माइनस टू इसका फैक्टर नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, हमें चेक करना है 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमने चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन, जीरो ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर का जीरो लेते हैं हम। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो, 7 वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। स्टेप टू क्या होता है? x की ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है? डिविडेंड में। डिविडेंड क्या है? 3x क्यूब प्लस 7x। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3। यस, अब देखिए माइनस 7 का क्यूब क्या होता है? माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7, मतलब माइनस 343 अपॉन 3 का क्यूब क्या होता है? 27। प्लस 7 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 49 अपॉन 3। अब यहां देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में 3 और 27 कट रहे हैं, हमारे पास आया माइनस 343 अपॉन 9, माइनस 49 अपॉन 3। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पर देखिए हमारे पास यहां क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए, माइनस 490 अपॉन 9। हमारे पास देखो बच्चों ये रिमाइंडर बचता है, क्या ये जीरो है? नो, ये जीरो के इक्वल तो नहीं है। ये एक हमारे पास नंबर आ गई है, रैशनल नंबर। इसका मतलब साफ है कि 7 प्लस 3x इसका फैक्टर नहीं है। नो, 7 प्लस 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपको पता हो ऑलरेडी कि 7 प्लस 3x या कोई भी गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो उसका जीरो वहां पर पुट करने पर क्या आंसर आएगा? आप झट से बता सकते हो वो फैक्टर है तो क्या आंसर आएगा? रिमाइंडर जीरो। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। दोनों चीजें हैं, रिमाइंडर जीरो है तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है, या यूं कहें कि अगर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है। दैट्स अंडरस्टूड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ओके, हैव अ नाइस डे।